आइए एक मिनट भाभी जी, अपनी स्लीपर उतार देंगी क्या आप? पर क्यों भाई साहब? वो क्या है ना, इटालियन कारपेट बिछवाई है कल, खराब हो जाएगी इसीलिए। कोई नहीं, उतार दो। आइए आइए भाभी। सुंदर है। अरे हाँ भाभी, क्यों नहीं होगा मेरा घर अच्छा। इसमें 2 करोड़ रुपए जो लगाए, इतना पैसा खर्च भी करो और घर अच्छा ना हो तो क्या फायदा। वैसे आपके यहाँ तो नहीं होते हैं ना इतने अच्छे घर। खैर छोड़ो, ये हम आपके लिए मिठाई लेकर आए थे। अमन, ये मिठाई लेके जाइए और नौकरों में बांट दीजिए। जी सर। अरे वो क्या है ना भाभी जी, बुरा मत मानना, मैं ना ये सस्ती मिठाइयाँ खाता नहीं हूँ, मेरा पेट खराब हो जाता है। मैं ना थोड़ी महंगी मिठाई खाता हूँ ना, वही फिट होती है मेरे लिए, तो बुरा मत मानना। लीजिए सर, ये खाइए भाभी जी। अरे लीजिए लीजिए, शरमाइए मत। अरे ये कश्मीर से मंगाए हमने, 5000 रुपये किलो है ये, आपने तो कभी खाया भी नहीं हुआ, खाइए। अच्छा था मेरे दोस्त का घर? घर तो अच्छा था, पर आपने अपने दोस्त का बिहेवियर देखा, हमें कैसे बात बात पर नीचा दिखा रहा था, जैसे हम कोई गिरे हुए घर से आते हैं। मुझे तो बहुत बुरा लगा जैसे उसने हमसे बात की। अच्छा, तुमको बुरा लगा? और नहीं तो क्या, तुम्हें बुरा नहीं लगा? नहीं, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि ये सब उसने ना मेरे कहने पे किया था। क्या मतलब, तुमने ही अपने दोस्त को बोला था कि वो हमें नीचा दिखाए? जी हाँ मैडम, पता है क्यों? पर क्यों? ताकि तुम्हें रियलाइज हो सके जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता है तो कैसे लगता है। याद है तुम्हें जब हमारे बेटे का बर्थडे था, तुमने अपनी काम वाली और उसके बेटे को इनवाइट किया था खाने पे, तुमने उनके साथ कैसा बिहेव किया था, याद आया कुछ? दीदी मैं आ गई, बताओ क्या क्या काम करना है। बात सुन, तू घर में चप्पल उतार के आती है ना? जी दीदी। तो अपने बेटे को देखना, चप्पल पहन के आया, जा इसकी चप्पल उतरवा के। बेटा चप्पल बाहर खोल दे। क्यों, क्या हुआ माँ? मैं आती हूँ ना घर में तो चप्पल उतार के आती हूँ, दीदी का घर गंदा हो जाता है। ठीक है माँ। दीदी मैं बाबा के लिए उनकी पसंद की गिफ्ट लाई हूँ, खिलौने उनके लिए। अब मेरा बेटा क्या ये सस्ते खिलौनों से खेलेगा? चल छोड़, बैठ तू, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये ले। सुन, ये तेरा बेटा ऊपर क्यों बैठा है? इसको समझा कि जब भी तू इस घर में खाना खाती है तो नीचे बैठ के खाती है, ये ऊपर बैठ के सोफा गंदा कर देगा, जा इसे नीचे बैठा। जी दीदी। बेटा आ जा, नीचे बैठ के खाते हैं। अब क्या हुआ माँ? बेटा मैं जब दीदी के घर पे आती हूँ ना, नीचे ही बैठ के खाना खाती हूँ, आ जा दोनों नीचे बैठ के खा लेंगे। मैं तुम्हें यही रियलाइज़ करना चाहता था कि अगर तुम्हारे साथ कोई भेदभाव करे, तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेव करे तो तुम्हें कैसा लगता है, जैसे तुमने हमारी कामवाली के साथ किया था ना। अब तुम बताओ, उनको बुरा नहीं लगा होगा? अगर क्या हो जाता वो हमारे घर में सोफे में बैठ जाते, क्या हो जाता अगर वो चप्पल लेकर अंदर आ जाते? कुछ नहीं बिगड़ता हमारा मुस्कान, उन्हें बहुत बुरा लगा था उस चीज़ का। तो मैं तुम्हें यही रियलाइज़ करना चाहता था कि अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। अरे क्या होगा अगर वो हमारे घर में कामवाली है, लेकिन उस दिन वो हमारे मेहमान थे, आज जब हमारी चप्पल किसी ने बाहर निकलवा दी तो तुम्हें बुरा लगा ना? और उस दिन क्या था, उस दिन तुमने वो काम वाली इतनी प्यार से हमारे बेटे के लिए गिफ्ट लेके आई थी, तुमने क्या करा, तुमने लेने से मना कर दिया। तुमने क्या किया, तुमने लेने से ही मना कर दिया। और आज जब उस बंदे ने
हमारी मिठाई अपने नौकरों को बंटवा दी तो तुम्हें बुरा लगा ना? वैसे उस दिन उन्हें भी बुरा लगा था मुस्कान। अगर कोई तोहफा देता है ना मुस्कान, तो उसका प्राइस नहीं देखते, सिर्फ उस तोहफे देने वाले का दिल देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या फील करता है जो वो हमारे लिए तोहफा लाया है। कह छोड़ो, मुझे अब लगता है कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता चल गया है कि लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। अरे तुम ये सब छोड़ो, अब ये मोटा सा मुँह ना फुलाना बंद करो। मेरा मुँह मोटा है? हाँ।